Hello guys, subscribe the Christian Knowledge channel and hit the bell icon to get all the latest notification about the technical and educational videos. Hello guys, welcome to all of you to your YouTube channel Christian Knowledge. Myself Praveen. और दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेक महिंद्रा के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. जो भी स्टूडेंट्स अभी कैंपस प्लेसमेंट के दौरान टेक महिंद्रा के लिए बैठ रहे होंगे, टेक महिंद्रा कंपनी में बैठ रहे होंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी, ताकि उन्हें पता चले कि कौन कौन से राउंड्स टेक महिंद्रा के क्वालिफिकेशन के लिए हैं. सो इससे पहले की वीडियो में इन्होंने कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट और विप्रो के वीडियोज़ बनाए थे. आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और मैचिंग किया हो. ओके, सो शुरू करने से पहले मेरे जो भी व्यूअर्स या यूजर्स न्यू हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा कि टेक महिंद्रा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, उसमें आपको जब आप कंपनी में बैठते हो, तो मेरा सजेशन ये है कि एटलीस्ट आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, है ना. उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या करती है, उसके क्या सीईओ, करंट सीईओ कौन है, कब फाउंडेड हुई थी, कितनी कंट्रीज़ में अभी वर्क कर रहा है, है ना. तो अगर बात करते हैं कंपनी टेक महिंद्रा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, तो ये एक आईटी, है ना, एक मल्टीनेशनल प्रोवाइडर है आईटी टेक्नोलॉजी की. ठीक है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ बिजनेस प्रोसेस के लिए भी वर्क करती है. ठीक है, यहाँ बीपीओ के लिए भी वर्क होता है, मीन्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी वर्क होता है. दूसरा है कि टेक महिंद्रा इज ए $3.68 million कंपनी वर्थ. ठीक है, 1,05,000 प्रोफेशनल्स अक्रॉस 51 कंट्रीज. ओके, पता होना चाहिए. ठीक है, आगे है कि टेक महिंद्रा वॉज रैंक 5 इन इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज. ठीक है, टेक महिंद्रा की जो पोजीशन है, चूँकि आप जानते हो कि एक आईटी प्रोवाइडिंग कंपनी है, आईटी बेस्ड कंपनी है, सो इसका रैंक इंडिया में 5th है, और अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, है ना, तो ये 111 रैंक हासिल करती है अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यूनर. ठीक है, आउट ऑफ 500 कंपनीज में. आइए, टाटा कब का है, 2012 का है. ठीक है, नेक्स्ट है कि महिंद्रा स्टार्टेड अ जॉइंट वेंचर विद द ब्रिटिश टेलीकॉम इन 1986 एज अ टेक्नोलॉजी आउट सोर्सिंग फर्म. ठीक है, सो एंड कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू है कि अगर इसके फाउंडर की बात की जाए, कभी कभी पूछ देते हैं एचआर ऑन इस तरह के क्वेश्चन. ठीक है, कि हमारे जो भी फाउंडर हैं वो कौन है, आनंद महिंद्रा चेयरमैन एंड द फाउंडर, देन विनीत नैयर एंड द सीपी गुरनानी, है ना. अब गूगल करके और अच्छे से इसके बारे में डिटेलिंग लो, है ना, तब आप जाके कंपनी में बैठो, ताकि आपका एचआर राउंड में एटलीस्ट ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ये सब. ठीक है, फाउंडेड कब किया, 1986 की. ठीक है, एक आईटी बेस है, आईटी कंसल्टिंग कंपनी है. ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ओके, एंड देन हेडक्वार्टर इज नाउ इन इंडिया पुणे. ठीक है, सो अगर हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर्स की, मतलब कितने राउंड होते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स कितने टेक महिंद्रा ऑर्गेनाइज कराता है, तो दोस्तों क्या होता है कि जो उनके राउंड्स होते हैं एक्चुअली में, तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हो रहे हैं इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में. ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर स्टूडेंट्स के नंबर्स अगर आपके किसी कॉलेज में हैं 200 to 300 के बीच में, तो इनके राउंड 3 हो जाते हैं. ठीक है, 3 राउंड में ही ये अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाते हैं. अगर 500 से अबव है, तो फिर इनके 4 राउंड हो जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट राउंड तो नोन है कि एप्टीट्यूड राउंड ही होता है, और एप्टीट्यूड राउंड में आप जानते हो कि आपसे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, ब्लड रिलेशन होते हैं. ठीक है, फिगर आउट क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं. सेकेंड स्टोरी राइटिंग है, तो आपको कोई भी ये स्टोरी राइटिंग जो होती है, जो कि एप्टीट्यूड राउंड के अंदर ही आता है, आपका सेकंड स्टेप होता है. जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, तो उस समय आपका एक सेकंड विंडो ओपन होता है, जब आप एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करते हो, कि आपको रैंडमली कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको स्टोरी लिखनी होगी, या फिर कोई फिगर शो किया जाएगा, और आपको उससे जो भी
माइंड में जो भी उसके रिलेटेड स्टोरी बन रही है वो आपको लिखना होगा। स्टोरी राइटिंग चेक करना मतलब ये अपनी स्टोरी राइटिंग क्यों दिया जाता है, इसका रीज़न बस ये है कि आपको गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ वर्ड लिखते हो, साथ साथ ग्रामेटिकली कितना सही लिखते हो, ये जज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि पासिंग या नहीं, ये बस डिपेंड करता है ग्रामेटिकली कितना सही होता है। ठीक है, तो ग्रामरली करके एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप टाइपिंग करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो सेकेंड हमारा, थर्ड टेक्निकल इंटरव्यू है और फोर्थ हमारा एचआर इंटरव्यू है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेलिंग से। तो अगर हम लोग बात करते हैं एप्टीट्यूड राउंड की, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो एप्टीट्यूड राउंड में टोटल 75 क्वेश्चंस हैं इन 50 मिनट्स। ठीक है, 50 मिनट के आपके एप्टीट्यूड राउंड चलेगा। क्लियरली यहाँ पर आपका जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है ना, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल वन, जनरल टू एंड कम्प्रीहेंशन, तो ये तीन, इन तीनों का वेटेज जैसे इसमें दिया हुआ है, बट रिसेंटली मैंने क्वेश्चन देखा था उनमें इन तीनों का नहीं पूछा गया था, क्यों आई डोंट नो, बट ये तीन नहीं पूछा गया था। इसमें जो मेजर पोर्शन आपके क्वेश्चन आए थे वो मैथ्स से थे, जो कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी मैथ्स के, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, नॉन वर्बल क्वेश्चन थे, वर्बल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 4, 5, 6, 7 है ना, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इस टाइप के आपके होते हैं, टेक महिंद्रा का ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कि टेक महिंद्रा का प्लेसमेंट पेपर 2 है, मेरे पास आई थिंक 6 to 7 पेपर्स हैं। ठीक है, जो भी मेरे पास मटेरियल्स हैं उनके बारे में लास्ट में बात करूँगा आपसे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो अपने डिग्री के दौरान तो अच्छा है कि आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होती रहती है, और है ना, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे। हाँ, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोग हो सकता है एक्चुअली भूल गए हो, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि मैं आपको जितनी हो सके मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है, नाउ जैसा कि अब हमारा सेकेंड राउंड होता है स्टोरी राइटिंग एंड टेक्निकल इंटरव्यू, एक्चुअली में है ना, स्टोरी राइटिंग या टेक्निकल इंटरव्यू होता है। स्टोरी राइटिंग मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस टाइप के स्टोरी राइटिंग की सेक्शन होता है। इंटरव्यू राउंड की बात करें तो फ्रेंड्स आजकल सिर्फ और सिर्फ जावा पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, C++ से पूछा ही नहीं जाता है। मैंने जब विप्रो का दिया था पेपर तो उसमें टेक्निकल राउंड में कोई भी तीन लैंग्वेज आप चूज कर सकते, कोई किसी भी तीन लैंग्वेज में आप एक लैंग्वेज पर कोडिंग कर सकते थे। मैंने विप्रो का वीडियो बनाया हुआ, तो उसमें क्या था कि दो क्वेश्चंस आए थे मुझे विप्रो में, बट इसमें क्या है कि आपको 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, अब वो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको विप्रो, अगर आप टेक महिंद्रा के लिए अपेयर हो रहे हो तो आपको C++ जावा तीनों के बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज चूजिंग का कोई ऑप्शन नहीं है ना, लैंग्वेज सिलेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपसे किसी से भी पूछा जा सकता है, बट जावा का कोई बेसिक ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, और सी और सी प्लस प्लस के भी क्वेश्चन बेसिक्स ही होंगे। ठीक है, ये टेक महिंद्रा का जो प्लेसमेंट पेपर 1 है मेरे पास, ये सी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला हम आप क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ पे कोडिंग दी गई हुई है और आपको इससे आउटपुट पूछा जा रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो वो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें कुछ एरर बोलेगा कि क्या एरर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आउटपुट क्या होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको प्रोग्राम ही दिया जाएगा एक्चुअली में कि जैसे ये प्रोग्राम है इसकी क्या कोडिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से 3 या 4 तरह के फॉर्मेटिंग बनती है क्वेश्चन पूछने के, चाहे वो सी से हो या चाहे सी प्लस प्लस से हो, और जावा का बेसिक्स आना चाहिए क्योंकि वो ऑनलाइन क्वेश्चन होता है। सो इसके लिए, सो ये तो बात हो गई आपके टेक्निकल इंटरव्यू की। टेक्निकल इंटरव्यू में प्लीज़ आप इन बेसिक्स क्वेश्चन करना, क्योंकि HR राउंड में भी क्या होता है कि जो टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होते हैं, जब टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, HR में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे दोस्त ने कॉग्निजेंट नहीं सॉरी विप्रो का उसने पेपर दिया था, तो उसके इंटरव्यू राउंड में HCF ऑफ 2 नंबर्स का कोडिंग पूछा गया था टेक्निकल इंटरव्यू में, और वही क्वेश्चन से HR राउंड में पूछा गया कि सेम क्वेश्चन पूछा गया, उसकी कोडिंग करके उसको दिखानी थी। ठीक है, और एट द फाइनली वो विप्रो में जॉब कर रहा है। तो इसलिए टेक्निकल इंटरव्यू जो भी होगा, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो है ना, तो उसके बेसिक्स को तो
पक्का कर लो कि बेसिक से क्वेश्चन बिल्कुल ही आएंगे। मैंने वैसे टेक्निकल जो राउंड के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, शायद 7 से 8 वीडियो मैंने बनाएंगे यूट्यूब पर, सो यू कैन आप वो देख सकते हो, ठीक है। सो लास्ट राउंड की बात करते हैं जो कि एच आर राउंड होता है। कहा जाता है कि एच आर राउंड बस एक वॉक है, बस जाओ और जॉब ले लो, है ना। बट कुछ कुछ उसमें भी होते हैं घुमाने वाले, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन जो कि एच आर राउंड में पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ बट बी कॉन्फिडेंट। अगर आप वहाँ पे थोड़ा बोलने में अगर थोड़ा बहुत भूल गए तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो वी वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, सो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू वर्क विद टेक महिंद्रा एंड व्हाट डू यू नो डू अबाउट द कंपनी, सो कंपनी के बारे में बिल्कुल पढ़ के अच्छे से जाइएगा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन लाइफ, ठीक है। सो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एच आर इंटरव्यू में होते हैं, है ना। सो एच आर इंटरव्यू के लिए ज़्यादा नहीं सोचना, बट अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो सिलेक्शन आपका एट द लास्ट हो ही जाएगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं आ रहा, ओके। तो सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, एंड आई रियली नीड योर हेल्प। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। कैंपस प्लेसमेंट के लिए इसी तरह प्रिपरेशन करते रहें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि करनी थी आप सभी लोगों से, कि मेरे पास जो जो भी क्वेश्चन है मेरे पास, जस्ट लाइक टेक्निकल राउंड की बेसिकली बात करूँ, कि एप्टीट्यूड राउंड तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके निकाल ही लोगे, टेक्निकल राउंड में फंसते हैं लोग बच्चे। सो मेरे पास C++ डाटा स्ट्रक्चर DBMS के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछते हैं। कॉग्निजेंट का मैं इतना कर सकता हूँ कि जो उसका फर्स्ट राउंड होता है, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड होता है उसके जो मैं भी क्वेश्चन दूंगा वो डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। मतलब आने के 99.9% चांसेस हैं जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा मेरे पास टेक महिंद्रा इन्फोसिस विप्रो के क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, 4 to 5 सेट्स हैं मेरे पास, तो वो सारे चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट लेकिन दोस्तों आपको इसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 50 rupees आपको मेरे इस मोबाइल नंबर पर पेटीएम करना होगा, तभी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि फ्री मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसका फिर उसका मिसयूज होता है। सो अगर जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो अपना मेल आईडी कमेंट करें, मैं पहले वेरिफिकेशन कर लूँगा कि पेटीएम हुआ या नहीं, उसके बस थोड़ी समय के बाद मैं आपको सारे मटेरियल्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।